स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव के इक्वल होता है। जैसे हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें के एक्स स्क्वायर प्लस वन जो था वो इक्वल टू जीरो था, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास मतलब पहले ये स्टेप आया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ रहा था, और फिर जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आ गया, ये अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो ये नंबर है ये एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब फर्जी नंबर है, जिसको के लियोनार्ड यूलर ने जो है फर्ज किया था कि ये आयोटा के इक्वल है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का एक कॉन्सेप्ट बनता है आयोटा का, वो आता है हमारे पास। और फिर हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर है जैसे फाइव है, रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स इस वजह से है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, या इसके साथ हम जीरो आयोटा लिख सकते हैं, जिसको जिसको कि हम इस ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसके रियल एक्सिस के अलोंग इसने फाइव डिस्टेंस कवर किया तय किया हुआ है, और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग इसने जीरो डिस्टेंस तय किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो जितने रियल नंबर है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो के मतलब जिसका रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये एक कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हैं और क्या होती हैं, मतलब उनको किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा एक यहाँ पर क्वेश्चन है जिसका कि हम आंसर जो है करेंगे। सबसे पहले मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ कि ये होती क्या, मतलब आइडेंटिटी कहते हैं शिनाख्त को, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आपकी नंबर है, जैसे चलें 25 के नंबर है, आप इसमें कुछ ऐसा ऐड करें नंबर कि आपका ये नंबर 25 ही रहे, तो जाहिर बात आप इसमें जीरो ऐड करोगे, ठीक है। इसी तरह जीरो, या आपसे कोई ये कहे कि बताओ वो कौन सा नंबर है जिसमें आप 25 ऐड करें और आपका आंसर 25 ही आए, तो तब भी आप जीरो ही कहेंगे। इसका तो जीरो जो है इसमें ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ये रियल नंबर्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, रियल नंबर्स जो कि मैंने भी बताया कि जितने रियल नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन अब अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, जैसे मैं कहता हूँ जी 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब ये एक हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, मतलब मैं वो नंबर ऐड करूं, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा दिया कि वो नंबर हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे कि वो नंबर हम इस नंबर में ऐड करें और आंसर यही नंबर आ जाए, 5 + 4 आयोटा, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स में सोचें, इसका मतलब है कि रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इधर जो रियल पार्ट आएगा इस नंबर का वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो फाइव में ऐड हो तो फाइव ही आता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इमेजिनरी नंबर है हमारा 4 आयोटा, इसमें इमेजिनरी नंबर 0 आयोटा ऐड होगा तभी 4 + मतलब 4 आयोटा + 0 आयोटा ऐड होके 4 आयोटा ही रहेगा। इसका मतलब कि जो अगर हम यूं कहें कि 0 + 0 आयोटा ये अगर नंबर ले लिया जाए और इसमें अगर हम 5 + 4 आयोटा ऐड कर लें, तो हमारा तब भी आंसर जो है क्या आएगा, तो 0 + 5 फाइव, और 0 आयोटा + 4 आयोटा 4 आयोटा, तो वही रहेगा नंबर। इसका मतलब कि जो 0 + 0 आयोटा है, 0 + 0 आयोटा है, ये जो है हमारे पास बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। ये बात हमें जो है इस तरह से पता चली, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगर कोई, अगर मैं इसको जनरल बात कर रहा हूँ और मैं यूं कहूँ कि C + iota d जो है वो एक मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये किसके इक्वल होगी, ये 0 + 0 आयोटा के इक्वल होगी, ठीक है। 0 + 0 आयोटा के इक्वल होगी, और इस तरह से कि सी जो है रियल पार्ट 0 के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट डी है वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसलिए हम इसको 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं और इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसी से आगे हम चलते हैं कि अब हमारे पास जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, बेसिकली अब जैसे इसमें शिनाख्त बदली नहीं है किसी नंबर की ऐड करने से, अब इधर मल्टीप्लाई करने से नहीं बदलनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास कोई 5 - 3 आयोटा, कोई नंबर मैंने सेलेक्ट किया अपनी मर्जी से। अब मैं कहता हूँ इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर जो है वो 5 - 3 आयोटा ही आए, ठीक है। जैसे हम नंबर रियल नंबर्स में बात करते हैं कि 1 जो है हमारे पास, 1 ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की, कि आप
वन को अगर फर्स्ट करें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका नंबर 5 चेंज नहीं होता, वो 5 ही रहता, साइन भी वही रहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी वही बात है कि अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरह 3 + 4 i, चले मैंने आपको ये नंबर और लिखा, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, और मैं चाहता हूँ मेरा आंसर 3 + 4 i ही आए, ठीक है। तो वो क्या होगा नंबर, ठीक है, अगर हमने इसको सर्च करना हो, ठीक है, तो हम कैसे इसको ढूंढ सकते हैं, अब ये एक क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से सोचें कि अगर देखें, अगर इस तरह से हो कि जो रियल पार्ट है, ठीक है, चूंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 i भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 1 जो है वो हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, लेकिन चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हमें इसका इमेजिनरी नंबर भी लिखना होता है, इमेजिनरी पार्ट, फिर इसका क्या आएगा, 0 i आएगा, मतलब नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब 0 i इसलिए कि अगर फर्ज करें इसको मैं आयोटा लिख देता हूँ, मतलब इसको मैं 0 बना देता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ 0 + i, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होगा, तो फिर देखें 3 i से मल्टीप्लाई करो 3 i आ जाएगा, क्योंकि 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 4 i भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब जब 3 i से मल्टीप्लाई होगा 3 i बनेगा, और 4 i से मल्टीप्लाई होकर 4 i², तो ये तो बन जाएगा 3 i - 4, जो कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, गलत आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से बात यही पता चलती है कि अगर हम जैसे रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो यहाँ भी हम 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो इसलिए हम इसमें कहेंगे कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, या इसमें 0 इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 0 i इसमें ऐड होगा। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें अगर आप देखें तो 1 0, अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखूं तो यूं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 i, ये बेसिकली जो है ये हमें जो है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब आपने इस चीज को याद रखना है कि जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे होते हैं तो वो 0, और चूंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट की भी बात हो रही होती है तो दोनों 0 0 बनेंगे, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 0, जिसे कि हम फिर सिंपल 0 0 ऐसा भी लिख सकते हैं ऑर्डर फॉर्म में, कि रियल एक्सिस भी के लॉन्ग भी 0 डिस्टेंस और इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग भी 0 डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। और जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, उसमें रियल पार्ट 1 बनेगा, पॉजिटिव 1 बनेगा, क्योंकि हमें साइन वही चाहिए होते हैं, ठीक है, नंबर बदलना नहीं चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट 0 बना देंगे हम। और उसमें मैंने आपको समझा दिया कि अगर इमेजिनरी पार्ट को आप 0 नहीं बनाते हो और रियल पार्ट को 0 बनाते हो, तो फिर एक रिजल्ट ऐसा आएगा जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, और फिर वो डेफिनेशन इस तरह से होल्ड नहीं करेगी।